वहीं पर अगर इस बाइक को अगर आप 36 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो 4,702 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और देख सकते हैं कि हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क, जो BS6 2023 की वेरिएंट है। और ये जो बाइक है इथियम 20% के साथ में आपको ये बाइक अब देखने के लिए मिल जा रही है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बाइक जो लुक है आपको स्प्लिट सीट में ये बाइक देखने के लिए मिल जाती है। रियर टायर देख सकते हैं, काफ़ी हैवी में आपको टायर देखने के लिए मिल जाती है रियर के। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर इस बाइक के कुछ फीचर्स की, तो इंजन की बात कर ले अगर, तो इस बाइक में जो 4-स्ट्रोक 2 वोल्वो ट्विन स्पार्क प्लग BS6 कंप्लाइंट DTS FI इंजन आपको दिया गया है इस बाइक में। इस बाइक की अगर मैक्स पावर की बात कर लो तो 14 PS की मैक्स पावर दी गई है, जो 8,500 RPM पे पावर को जनरेट करती है। और इसकी जो मैक्स टॉर्क दी गई है 13.25 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो 6,500 RPM पे पावर को जनरेट करता है। और यहाँ पे अगर इस बाइक की अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट टायर और डिस्क की बात कर लें यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट टायर आपको 90-90-17 के आपको फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जाती है। 280 mm का आपको डिस्क ब्लेड फ्रंट में दिया गया है विथ ABS के साथ में। और यहाँ पे रियर में बात कर ले अगर, तो रियर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो टायर सेक्शन दी गई है 120-80-17 के आपको रियर में टायर देखने के लिए मिल जाती है। 230 mm का आपको डिस्क ब्लेड भी रियर में देखने के लिए मिल जाता है ABS के साथ में, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर बात कर ले इस बाइक की एग्जॉस्ट की, तो देख सकते हैं कि फुल्ली ब्लैक में आपको एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। फोल्डेबल फुटरेस्ट आपको दिया गया है इस बाइक में। और यहाँ पे अगर इसकी लुक की बात कर ले तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की लुक दी गई है इस बाइक की। और स्टिकर ग्राफिक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड एंड कार्बन में आपको स्टिकर ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ फ्यूल टैंक पे भी आपको रेड एंड कार्बन की फिनिशिंग के साथ में आपको स्टिकर ग्राफिक्स दी गई है। पल्सर की ब्रांडिंग आपको 3D में देखने के लिए मिल जाती है। कार्बन की फिनिशिंग साइड पैनल पे आपको दिया गया है। रियर पैनल पे देख सकते हैं कि कार्बन की फिनिशिंग और रेड के स्टिकर दी गई है। और 150 की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। कट में आपको जो बैक ग्रिल दिया गया है, और यहाँ पर जो इसकी सीट है आपको स्प्लिट में देखने के लिए मिल जाती है। साड़ी गार्ड आपको कुछ इस तरीके की हैवी में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ये जो है आपको यहाँ का गार्ड आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, जो अभी फिटिंग नहीं है। और इस बाइक की अगर आप बात कर लें इंस्ट्रूमेंट की, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट दी गई है, जो पहले की तरह दी गई है। यहाँ पे इसे ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो बैटरी कनेक्शन वो नहीं की गई है। बाकी डिजिटल में आपको, और यहाँ लॉगिंग में आपको टैकोमीटर देखने के लिए मिल जाती है। डिजिटल लाइट आपको नीचे की ओर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर इस बाइक की लोन प्रोसेस क्या होने वाली है और डाउन पेमेंट क्या होने वाली है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इस बाइक की, पहले मैं ऑन रोड प्राइस बता दूं कि 1,44,780 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, जो आकर्ष बजाज में है पटना बाईपास के पास में। एड्रेस आपको फुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर आकर के इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। या कोई भी बाइक को परचेस करना हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो ये तो इस लोन की बात, आप बात कर लेते हैं इसकी जो डाउन पेमेंट आने वाली है वो क्या है। तो 21,650 रुपये आपको इसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसका जो लोन प्रोसेस है वो 1,29,000 का आपका लोन हो जाएगा गाइस। और जो मंथली ईएमआई आने वाली है 24 महीने के लिए अगर आप इस बाइक को लोन करवाते हैं, तो 6,418 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और वहीं पर अगर इस बाइक को अगर आप 36 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो 4,702 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और इसका जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है आपको 10% का आपको रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 10 का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट दिया गया है इस बाइक में। तो ये जो बाइक है आप लोग आकर के यहाँ से परचेस कर सकते हैं। बाकी ईएमआई की मैंने फैसिलिटी बता दी कि आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना कि जो ईएमआई मैंने बताया वो कैसा लगा आप लोगों को। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।